और इधर शमशाबाद, तो हम जा रहे हैं शमशाबाद। एंड प्लीज वीडियो को पूरा देखा करो, मतलब चाहे स्किप कर लो, ये तो आपके ऊपर है, बट पूरा देखा करो, जैसे थोड़ा तो एक आध घंटा तो बढ़े। अभी दोस्तों शमशाबाद 3 किलोमीटर दूर है। दोस्तों मैं और बापू पहुंच रहे हैं शमशाबाद, अभी हम शमशाबाद में एंटर कर गए हैं, अब हम जाएंगे यहाँ से सीधे आगरा। ये दोस्तों शमशाबाद का मेन चौराहा अपना। शमशाबाद टू आगरा। दोस्तों हमने ले लिया इलेक्ट्रिक बस, 0 एमिशन, और ये हमें पड़ गई है 35 टिकट पड़ गई है, मतलब अगर आप शमशाबाद से 0 एमिशन बस लोगे तो 35 रुपये। अभी हम पहुंचे बिजलीगर, अब यहाँ से जा रहे हैं हम कैंट सीधा, अब सीधा कैंट जाएंगे, और टाइम हो गया है 3 बजे। दोस्तों हम आ गए अपने आगरा कैंट, और टाइम हो गया है 3, और चलते हैं दोस्तों टिकट लेने अंदर। बापू ले रहे हैं टिकट निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन की। तो हमने टिकट ले ली हजरत निजामुद्दीन की। ये कुछ सीन है अपने आगरा कैंट का, अपना G20 समिट। दोस्तों आई लव के दिल में, आगरा के दिल में हम बैठे अभी रेस्ट कर रहे हैं, उसके दिल दिल के नीचे। Gripping up and getting x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it's... तो झेलम का हाल झेलने लायक नहीं है, ये आपको अभी पता पड़ रही होगी। अभी दिखा दे आपको झेलम का हाल कैसा है, जनरल कंपार्टमेंट का। दोस्तों ये है झेलम का हाल, आप देख सकते हैं, मतलब पूरी खचाखच भरी है। गाइस फाइनली मथुरा पे आके हमें ये सीट मिल गई, ऊपर वाली ले ली हमने। अब नीचे का हाल दिखाते हैं आपको, ये भैया ने साथ ही ले ली। ये है अभी करंट लोकेशन नीचे की, ये देखिए जूते और चप्पल रखने की जुगाड़, देसी जुगाड़ पक्का पर जूते, वाह। मतलब कबड्डी के प्रो प्लेयर जो कि मुझे मिल गए हैं भैया, अंकित भैया जो कि दिल्ली टाइगर्स में है, ये देखिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं प्रो कबड्डी टीम के प्लेयर से मिला। थैंक यू भैया। न्यू दिल्ली उतरेंगे अब, हजरत निजामुद्दीन हमने कैंसिल कर दिया, उधर से थोड़ा दूर पड़ जाएगा फिर मेरा सेंटर। तो हाँ अब मैं बता रहा हूँ, जा रहे हैं न्यू दिल्ली। तो ये थी हमारी जर्नी, अभी तो और भी बाकी है। तो अभी टाइम हो रखा है 8, और हम पहुँचेंगे 9:30 बजे, मतलब 2 घंटे तो हमें हो गया आराम से। तो अभी दिल्ली बहुत दूर है दोस्तों, झेलम में तो सभी मिलवाट के खा रहे हैं पॉपकॉर्न। ये पॉपकॉर्न चल रहे हैं भैया। झेलम एक्सप्रेस के बारे में कुछ बताएं, क्या 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 झेल रहे हैं भाई? फीलिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी A1 जनरल डब्बे की अच्छी फीलिंग है। हाँ जनरल डब्बे की बहुत करारी फीलिंग है। आप इस मतलब अपने इस कंपार्टमेंट में आ रहे हैं, क्या बोलना चाहोगे इस झेलम के लिए? कुछ नहीं बोला, बस एक सीट मिल गई काफी। जनरल डब्बे में तो सीट मिलना ही बहुत बड़ी बात है, युद्ध लड़ने पड़ते हैं। सही है, और ऐसे खड़े होते। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए अपने दिल्ली स्टेशन पर, और हम उतर गए, और टाइम हो गया अपना 9:30। तो अभी हम आ गए हैं सदर मार्केट में, दिल्ली के सदर मार्केट में, और ये दिल्ली मेट्रो दिल्ली स्टेशन से ये 10 रुपये में आ जाते हैं, 10 रुपये। और दोस्तों यहाँ का सदर तो डार्क साइडेड लग रहा है, मतलब डार्क टोन दे रहा है, देखिए आप ही देखिए। ये दोस्तों पूरा दिल्ली का सदर है। बापू गए हैं, बापू कौन से पे गए हैं, ठेके से दवाई खरीदे, अपनी दवाई रहे होंगे। अभी हम चल रहे हैं दिल्ली के सदर मार्केट की रोड्स पे, होटल मतलब अपना रूम है यहाँ पे अपने गांव वालों का, तो वहीं पे जा रहे हैं हम रुई मार्केट में। नाइट का माहौल है दिल्ली का पूरा, कैसे रह लेते हैं इस जंजाल में, देखो कितनी सारी केबल्स हैं, कितनी सारी ये देखो, और कितनी गंदगी देखो कितनी है। न्यू दिल्ली का ये सीन तो भाई जच नहीं रहा है, गंदगी बहुत है यहाँ पे यार, दिल्ली का काला दिल लग रहा है मेरे को।
अभी शायद मैं शायद अच्छी जगह पर नहीं घूमा हूँ, बट जितना भी घूमा हूँ न्यू दिल्ली को ऐसा ही पाया है। पहुँच गए रुई मंडी में, ये देखिए रुई मंडी का सीन।